सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टैग अब को, बगल वाली बेल आइकन करिए और प्रेस लग, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल टैग अब। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप भी अपने एमआई का फोन का जो ऐप साइज होता है उसे छोटा कैसे करें। दोस्तों मतलब आपने जो भी एमआई फोन देखे सबके ऐप साइज बड़ा होता है, वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो चाहे आप एमआई का फोन हो, चाहे रियलमी है, चाहे ओप्पो है, चाहे कोई सा ब्रांड है, आप उसका ऐप साइज छोटा कर सकते हैं और आपने मतलब फोन को स्टाइलिश कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसका नाम पोको लॉन्चर। पोको लॉन्चर करने के बाद आपको करना क्या है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सबको समझाता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और अपने फोन को स्टाइलिश कर सके। दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों मैंने जो ऐप इंस्टॉल किया है पोको लॉन्चर, वो आपके सामने है, अभी आप इसका लोगो देख सकते हो। जैसे कि मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, आपको सिंपली इसकी सारी परमिशन अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद इस ऐप को ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये अपने आप सेट हो जाएगा। अगर सेट नहीं हुए तो आपको अपनी सेटिंग में जाना है, जैसे मैं जाता हूँ अपनी जो फ़ोन की सेटिंग, उसमें जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा होम स्क्रीन का। होम स्क्रीन में जो ऑप्शन है डिफ़ॉल्ट लॉन्चर, इस पर ओके करिए और आपके सामने दो लॉन्चर आ जाएंगे, पहले सिस्टम लॉन्चर, दूसरा पोको लॉन्चर। आपको पोको लॉन्चर पे मतलब सेट कर देना है पोको लॉन्चर, एंड देखिए आपका पोको लॉन्चर सेट हो जाएगा आपके फ़ोन में। इसमें सारे ऐप अपने नाम से आ गए, जैसे नॉलेज वाले ऐप इधर, फाइनेंस वाले इधर, बिजनेस वाले, न्यूज़ वाले इधर, फोटोग्राफी टूल्स, कम्युनिकेशन, गेम्स, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके इधर मतलब फीचर्स बढ़ गए, देखो मेरे इधर शॉर्टकट, मतलब रिकमेंडेड, सिक्योरिटी, काफ़ी सारे फीचर इधर बढ़ गए हमारे। एंड आपको जो मतलब पोको सेटिंग है आपको वहाँ जाना है। पोको सेटिंग में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड में ओके करने पर आपको दो बैकग्राउंड मिल जाएंगे, पहला वाइट दूसरा डार्क। तो मैंने यहाँ पर डार्क किया है, आप अपने अनुसार डार्क कर सकते हो, डार्क या वाइट कर सकते हो। तो मैंने अप्लाई कर दिया डार्क पे, देखिए मैं डार्क आ गया। आपको कुछ और सेटिंग करनी है, सेटिंग में जाना है, यहाँ आप अपने ऐप का जो साइज है उसे बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैंने सेट नहीं किया था, आपको पहले सेट करना होगा। जैसे मैं जाता हूँ इधर पोको सेटिंग में, पोको सेटिंग में जाने के बाद कस्टमाइज लेआउट, इस पर हमें ओके करना है। ओके करने के बाद हमके जितना साइज हम चाहते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, हमें ये करने के बाद अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद ये आप देखिए मेरा ऐप साइज बड़ा हो चुका है। इसी के हिसाब से आप अपना ऐप साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब हमें वापस छोटा करना है तो हम फिर से सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद फिर से कस्टमाइज लेआउट, इस पर हमें एक्सेल, स्मॉल या फिर जो भी आपके अनुसार करना है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और ऑप्शन आएगा, 5, 4 और 3, मतलब जो ऐप की चौड़ाई होती है उसमें 3 ऐप्स हो या 4 हो या 5 हो, आप अनुसार यहाँ कर सकते हैं अपने अनुसार। मैंने 5 कर रखा है, आप भी अपने अनुसार 5 या 4 कर सकते हैं। और मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, और इसकी सेटिंग कुछ ज़्यादा खास है नहीं है, तो आपको बस इतना ही करना है एंड आपका फ़ोन एकदम स्टाइलिश हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। दोस्तों मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।